अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अफरोटा हेयर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का पहला लेक्चर है चैप्टर 2 का। इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर सिस्टम्स के ऊपर बात है। सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम्स का कुछ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पहले से भी आप लोगों ने इसके नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट को एन से स्टार्ट करते हैं और एन से लिखते हैं और वो वन से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट है, मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहा, काउंटिंग नंबर्स हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, और जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नेचुरल भी आ जाते हैं, नेगेटिव नेचुरल भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है। हमारे पास जो होल नंबर का सेट होता है उसमें साथ जीरो शामिल हो जाती है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स इन विच नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा सेट जिसमें नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पी क्यू कहाँ से आते हूँ, इंटीजर्स में से आते हूँ। ये वाले जो पी क्यू हैं वो इंटीजर्स में से आते हूँ, 1, 2, 3, मतलब कि इनके ऊपर स्क्वेयर रूट या फ्रैक्शन वाले में पॉइंट वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स यही होते हैं, ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब कि इंटीजर्स की फ्रैक्शन में ना लिखा जा सकता, उनके ऊपर स्क्वेयर रूट आ जाता है या इस तरह से। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर। तो रैशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट, इसका जब हम यूनियन लेते हैं तो वो पूरे का पूरा रियल नंबर का सेट आ जाता है। तो इसकी मैंने कुछ तरतीब यूँ लिखी हुई है कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स के अंदर कॉन्टेन करते हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर कॉन्टेन करते हैं, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के अंदर कॉन्टेन करते हैं और रैशनल रियल नंबर्स के अंदर कॉन्टेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स की आगे फिर दो टाइप्स होती हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग। यहाँ पे हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो कुछ रिपीट टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनमें फिर रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहली टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नाम से जाहिर है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक 4/5 = 0.8। कि अगर उसकी डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट्स खत्म होने वाले हों, तो वो हमारे पास क्या आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक 3/4 = 0.75। तो इसके डेसिमल फ्रैक्शन खत्म हो गई है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होती है जो यहाँ पे खत्म ना हो रही हो। तो यहाँ पे जो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं, मतलब कि वो रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच सम डिजिट्स इन द सेम वे रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन इट्स डेसिमल पार्ट कॉल्ड रिकरिंग, लाइक 2/9 = 0.2222 एंड सो ऑन। तो ये जो 2 है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है और ये कहीं ख़त्म नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है एक और, कि उसमें हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स हैं उनकी एक रिप्रेजेंटेशन तो मैंने ये बताई थी कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते हैं जैसे पाई है। अब जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7। तो आप कह सकते हैं कि मैंने कहा है कि ये इरेशनल है, इरेशनल है। और आप ये पूछ सकते हैं कि ये इरेशनल है, हमने तो अभी रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी है, ये पी क्यू दोनों इंटीजर्स में से भी हैं, क्यू जीरो की इक्वल भी नहीं है, तो फिर ये रैशनल क्यों नहीं है? तो ये रैशनल इसलिए नहीं है कि जो इरेशनल की एक और डेफिनेशन है वो हमारे पास होती है इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमारे पास होता है नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। जो नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल्स होते हैं वो भी हमारे पास इरेशनल्स कहलाते हैं, नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स are called
इरेशनल। जो नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे पास भी इरेशनल कहलाते हैं। जैसे हमारे पास स्केयर रूट टू है, तो स्केयर रूट टू में हमारे पास आ जाता है 1.41, इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे आ जाता है 1.41421352। तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो भी हमारे पास इरेशनल कहलाते हैं। तो ये भी इरेशनल की डेफिनेशन है। एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आसान सी है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 2.1 आप लोगों ने बिल्कुल इसी डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए कर लेनी है। बुक अगर आप लोग सामने रखें तो वो कहते हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जैसे स्केयर रूट 3 लिखा हुआ है, पहला पार्ट है स्केयर रूट 3, तो ये हमारे पास क्योंकि p by q की फॉर्म में नहीं, इसको मैं p by q की फॉर्म में तो लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिख दूँ स्केयर रूट 3 ओवर 1, लेकिन फर्दर मैंने कहा था कि p q belongs to integers, तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये स्केयर रूट 3 इंटीजर्स में से नहीं है, दैट्स वाई ये वाला नंबर जो है वो रैशनल नहीं है बल्कि ये क्या है इरेशनल। स्केयर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपने सिर्फ इसके आगे क्या लिख देना है इरेशनल, ये इरेशनल है। इसी तरह हमारे पास है 1/6, इसका जो पार्ट है 1/6, तो ये क्योंकि p by q की फॉर्म में भी है और p q दोनों इंटीजर्स में से भी आते हैं, 1 भी इंटीजर्स में से आता है 6 भी इंटीजर्स में से आता है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरह आपने इनको पाई है वो इरेशनल है, मैंने अभी उसकी रीजन बता दिया है। 15/2 इज अ रैशनल नंबर। 7.25 is also 7.25 is also a rational number because it's a terminating, and square root 29 is irrational number because square root उसके ऊपर आ गया है और square root की form में हमारे पास वो number rationals में नहीं आता। Remember one thing, अगर square root खत्म हो जाए तो फिर वो rational होता है, जैसे square root 64 है या square root 9 कह दूँ या square root 16, square root 25, जो complete square वाले numbers हैं वो हमारे पास rational होते हैं। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे 17/25 है, तो आपने क्या करना है 17 को 25 के ऊपर डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, तो 17/25 सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे 17 के ऊपर 25 को डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0.0, आप यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 6 टाइम, जी बिल्कुल, अगर हम इसको 6 टाइम 150 तो इट्स 8 टाइम 200। So, 17/25 is equal to 0.68. तो ये इसका आंसर है। आप सिंपल इसको आप डिवाइड करेंगे और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह से मैं आप लोगों को बता देता हूँ 19/4 की अगर आप फॉर्म लिखें, सेकेंड पार्ट दैट इज 19/4, तो आप क्या करेंगे कि 19 के ऊपर 4 को डिवाइड करेंगे, 4 4 16, 3.07 28 20, तो 4.75 आ जाएगा 4.75। तो ये इस तरह से आप इसकी डेसिमल फॉर्म्स लिख सकते हैं। आपने सिंपल करना क्या है कि डिवाइड करना है और इसकी डेसिमल फॉर्म्स लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो आप लोगों ने बुक पे देखें, बुक पे ही सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें कहता है कि 2/3 is an irrational number, 2/3, क्योंकि 2/3 p by q के फॉर्म में है, p q दोनों इंटीजर्स में से आते हैं और ये तो हमारे पास रैशनल नंबर है, उसने कहा है कि ये इरेशनल है, तो ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स। नेक्स्ट वो कहता है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, पाई हमारे पास इरेशनल होता है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, वो कहता है कि 1/9 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1/9 टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से चेक कर लेना है। वो कहता है कि 1/9 इज टर्मिनेटिंग, तो हम क्या कर लेते हैं 1 के ऊपर 9 को डिवाइड कर लेते हैं, 0.10 9 1 9 1 10 9 1 9 1
10, 9 ones are 9 and so on. तो इसका आंसर तो 1.0.1111 and so on. तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, उसने कहा है कि टर्मिनेटिंग है, तो ये स्टेटमेंट भी हुई फॉल्स. तो आप लोगों ने इस तरह से इसको एक्सप्लेनेशन में भी इस तरह से दे देना है. क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. आप लोगों ने नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर लाइन पे शो करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे है 2 ओवर 3. तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए बेटा याद रखिएगा, आप लोगों ने 7th क्लास में भी ये काम किया हुआ है. नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहली बात कि नोमिनेटर का छोटा होना लाजमी है. नोमिनेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. अगर ऐसी फॉर्म नहीं होगी तो आप उसको डिवाइड करके होल की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको नंबर लाइन पे शो करेंगे. तो यहाँ पे है 2 ओवर 3. पहले तो आप देखेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे कि ये 2 ओवर 3 किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है. तो अगर मैं इसको 2 के ऊपर 3 को डिवाइड करूं तो 0 point something आता है, 0 से बड़ा 1 से छोटा. तो मैं कहता हूं कि 2 by 3 lies between 0 and 1. सबसे पहले आपने ये बता देना है कि ये किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है. फिर आपने करना क्या है कि ऐसे नंबर लाइन बना देनी है. नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे होता है प्लस इन्फिनिटी, ये रियल लाइन है. यहाँ पे दरमियान में 0 है, इसको मैं कह देता हूँ 1, इसमें कह देता हूँ 2, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -2. हमने तो 0 और 1 के दरमियान लाई करना है. तो ये जो डिनोमिनेटर है ये बताता है कि ये 0 और 1 के दरमियान कितने हिस्से बनेंगे, और ये जो नोमिनेटर बताता है ये बताता है कि कौन से हिस्से पे जाना है. यहाँ पे है 3, इट मीन्स दैट कि इसके 3 हिस्से करने हैं. अगर 3 हिस्से करने हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 लाइंस, 1 और 2. तो इसके कितने हिस्से हो गए, 1, 2, 3. जितने हिस्से करने होंगे उससे एक कम लाइन लगाएंगे. अगर 3 हिस्से करने हैं तो 2 लाइन लगाएंगे, 5 हिस्से करने होंगे तो उसको 4 लाइंस लगाएंगे, यहाँ पे 10 हिस्से करने होंगे तो हम इसको 9 लाइंस लगा के उसके 10 हिस्से कर देंगे. तो हमने जाना है नोमिनेटर है 2. तो फर्स्ट सेकंड ये वाला जो नंबर है यहाँ पे ये शो कर देता है 2 ओवर 3 को, ये शो कर देता है 2 ओवर 3 को. इस तरह से आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर देना है, किसी किस्म का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं है. तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है -4/5. आपने इसी तरह से करना है, नेगेटिव साइड पे आएगा -4/5, -0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, और 0 और -1 के दरमियान आप उसके 5 हिस्से करेंगे, 4th पे जाएंगे, और इसी तरह से चले करा देता हूँ. -4/5 है, -4/5. आप देखेंगे कि ये किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है. आपने किया 4 के ऊपर 5 को डिवाइड, 0.8, और यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस आ गया, इसका मतलब है 0 से बड़ा, -1 से कम. सो -4/5 lies between 0 and -1. तो ये 0 और -1 के दरमियान लाई करता है. सेम इसी तरह से आपने क्या कर देना है, ये नंबर लाइन बना दी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे मैं -1 कह देता हूँ. इसके हमने ऐसे करने हैं 5, तो कितनी लाइन लगानी पड़ेंगी, बिल्कुल 4. 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5. हमने जाना है 4th पे, तो ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4. ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं -4/5. तो इस तरह से आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर देना है, किसी किस्म का कोई मसला पेश आने वाला नहीं है. सारे क्वेश्चन इसके इसी तरह से हैं. लास्ट वाला जो इसका क्वेश्चन है लाइक फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है 2 whole 3/4. तो इसका एक पार्ट फ्रैक्शन वाला करवा देता हूँ, इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है. तो 2 whole जो इसका क्वेश्चन है 2 whole 3/4 पार्ट नंबर 5, दैट इज 2 whole 3/4. तो 2 whole 3/4 को आप लोगों ने किस तरह से शो कर देना है, आपने इसको पहले तो देखना है कि ये है टोटल कितना नंबर आता है. तो हमने इसी को नंबर लाइन पे शो करना है. 2 4s are 8, 8 and 3 11/4. अब हम देखेंगे कि 11/4 किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है. तो आप क्या करेंगे, 11 के ऊपर 4 को डिवाइड करेंगे, 4 2s are 8, 3.5
2.75 मीन्स 2 से ज्यादा 3 से कम। सो आप कहेंगे ये वाला काम आप रफ पे कीजिएगा, ये वाला जो है रफ वर्क पे आपने इसको किया 11/4, तो इसको देखा कि ये आप कहेंगे सो 2 होल 3/4 लाइज बिटवीन 2 and 3। हमने ये देख लिया कि ये किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है, मतलब कि अगर आपके पास एज ए होल फॉर्म है तो आप एज ए होल फॉर्म से आप फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन से आप देखेंगे कि वो किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है। आपने देख लिया कि 2 और 3 के दरमियान लाई करता है, फिर आपने उसको फ्रैक्शन को, क्योंकि हम इसके 4 हिस्से करके 11वें हिस्से पे तो जा नहीं सकते, फिर हम करेंगे इसी हिस्से को जो आपके पास एज ए होल फॉर्म में है उसको हम शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन बन जाएगी, ये हमारे पास नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास प्लस इन्फिनिटी है, ये 0 है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाता है और ये 2 है। हमने इसको शो करना था, चले मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 2 और यहाँ पे है 3, हमने तो इसको 2 और 3 के दरमियान लाई करना है। तो ये वाला जो हिस्सा है फ्रैक्शन वाला, इसके 4 हिस्से करने और तीसरे 4 हिस्से करेंगे तो 3 लाइन लगानी पड़ेंगी, 1, 2 और 3, और थर्ड हिस्से पे जाएंगे तो 1, 2, 3। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 2 होल 3/4। तो जो फॉर्म ओरिजिनल क्वेश्चन की है वही यहाँ पे हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। इस तरह से हमारे पास ये वाले क्वेश्चंस एज ए होल फॉर्म वाले नंबर लाइन के ऊपर